हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा का किचन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी गुजिया की रेसिपी, तो जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं झटपट बनाने वाली आपके साथ शेयर करूंगी और इस तरह से बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लूँगी और इसके अंदर 2 कप ऐड करूँगी मैदा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा आटा भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं मोन देने के लिए थोड़ा सा घी ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है मोयन देने के लिए। इसको अच्छे से आटे के अंदर मिला देना है और इस तरह से हाथ से मसलते हुए सारे मैदे में जो है अच्छे से मोयन को लगा देना है। इससे क्या होगा कि गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से लगा दिया है। इसकी पहचान ये होती है कि जब इस तरह से आप हाथ में लेंगे आटे को, तो इस तरह से जब आप इसको बंद करेंगे तो एक लड्डू सा बनने लगेगा। इसका मतलब अच्छे से मोयन लग चुका है। देन फिर यहाँ पर मैंने हल्का वो मोटर लिया है और इसी से मैं आटा लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध से भी लगा सकते हैं और गर्म पानी से भी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो है अच्छे से इसको मलते हुए आटा लगा करके रेडी कर लूँगी। जो ये गुजिया का आटा होता है इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा टाइट लगाना पड़ता है। जैसा आप नॉर्मली घर में पूरी के लिए रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आपको करना है, बट तो ज़्यादा टाइट नहीं करना ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से मैं यहाँ पे आटा लगा करके और रेडी कर चुकी हूँ। इसको ढक के और छोड़ दूँगी। तो जब तक आटा हमारा सेट होगा हम जो है स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो गया, फिर मैंने 2 चम्मच यहाँ पे मैंने सूजी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा किया है। और आप चाहें तो जो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सुनहरा भून लेंगे, हल्का ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सूजी भून चुकी है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी ये देखिए। देन फिर यहीं पर थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच ऑयल और डाला है और यहाँ पर जो नारियल होता है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो जो नारियल का गोला आता है आप उसको घिस के भी इसको ले सकते हैं, बट ये मैंने इसको नॉर्मली ऐसे ले लिया है। उसके बाद जो है इसको हल्का सा जो है भून लेंगे। उसके बाद जो है इसको फिर अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो चुका है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिया हुआ है, काजू है, बादाम है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिरौंजी ली हुई है। इसको क्रश करके ले लिया है और उसके बाद इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जैसे इसका फ्लेवर चेंज हो जाए। उसके बाद जो है कि यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मावा लिया है, ये होममेड मावा है। आप चाहे तो नॉर्मल जो घर का मार्केट का होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप जो मिल्क पाउडर आता है आप उससे भी मावा बना सकते हैं। मेरी चैनल पर है, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। इसको भी हल्का सा गर्म करेंगे, सेम पैन में मैंने डाल के इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये गर्म हो गया है। इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें थी वो ऐड कर दूंगी। सूजी ऐड कर दिया है और जो भी ड्राई फ्रूट थे वो सारे ऐड कर देंगे। ठंडा होने से क्या होगा, अगर गर्म में आप ऐड करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद ही आप इसके अंदर सारी इंग्रीडियंट्स ऐड करें। उसके बाद यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर दिया है। उसके बाद ये जो नारियल का बूरा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना ड्राई फ्रूट्स की भी बना सकते हैं और मीठा जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे मिला के रेडी कर लिया है स्टफिंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा आटा भी सेट हो गया है और इसको हल्का सा ऐसे जो है कि एक बार गूंथ देंगे और इसको जो है पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए इसको पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कर लिया। उसके बाद जो है छोटे छोटे इसकी लोइयाँ बना लेंगे पेड़े के आकार का। ये देखिए जैसे पूरी के लिए बेलते हैं लोइयाँ और पूरियाँ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं छोटा छोटा जो है कि बना के और रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको जो है कि सारी लोइयाँ बना करके और रेडी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है ताकि जब मैं इसको बेलूँगी तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लिया है और इसको जो है कि पूरी के आकार का बेल लूँगी मैं। आप चाहें तो बड़ा भी बेल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बड़ा सा एक बना करके उसको किसी भी कटर, ग्लास या बाउल से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी पूरियाँ जो है बेल करके और रेडी कर लूँगी।
आप जो है जितना नॉर्मल पूरी के लिए या रोटी के लिए रोटियां बेलते हैं पतला, उससे थोड़ा सा आपको जो है कि मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना ये काफ़ी अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बेल लिया है, अब इसी तरह से मैं दूसरा और तीसरा जो भी है वो बना करके और रेडी कर लूँगी। ये देखिए तो यहाँ पे ये दूसरा भी हमारा बन चुका है, और भी जो थे वो सारे बन के रेडी हो गए। अब इन्हें कट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सारी पूरियाँ बन गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और यहाँ पे ये जो है गुजिया मोड़ लिया है। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी से बन जाएगा, टाइम टेकिंग होता है, बट अगर मोल्ड से बनाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। तो एक पूरी इस तरह से मैं इसके ऊपर रख दूंगी और साइड साइड से इसके जो है पानी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब इसको फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं और अच्छे से ये चिपक जाएगा। तो एक चम्मच भर के मैं यहाँ पे स्टफिंग इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसको जो है कि साइड से जो भी है उसको निकाल देंगे, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल देना है। तो इस तरह से प्रेस करेंगे और इजिली ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर एक गुजिया हमारी बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितना ये देखने में ही टेस्टी लग रहा है। उसके बाद दूसरा भी सेम प्रोसेस से दूसरा भी बना लेंगे, इसको साइड में रख देंगे और सेम प्रोसेस में इस तरह से एक पूरी इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं, हाथ से भी, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है मैं मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो हैंड से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान होता है। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे सारे करके गुजिया बना लूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सारी गुजिया बना करके और मैं रेडी कर चुकी हूँ। ये देखिए अब इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी, ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म भी हो गया। यहाँ पे मैंने चेक भी देखिए कर लिया है। तो जब भी आप गुजिया को फ्राई करें तो हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी आपको फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ऑयल गर्म हो गया था, अगर ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाएगा और हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये गुजिए के ऊपर बबल्स आ जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब भी आप गुजिया को फ्राई करें तो आप जो है फ्लेम को मीडियम रखें, ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए। यहाँ पे मेरा ज़्यादा हो गया था तो गुजिए के ऊपर बबल्स आ गए थे। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, जब भी आप बनाएं तो फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको बाद में कर दी थी, बट फिर भी बबल्स आ गया था क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो गया था ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर। सो मैं यहाँ पे धीरे धीरे इसको पलट के, और जब भी आप गुजिया डालें तो इसको कंटिन्यू चलाना नहीं है वरना फटने का भी डर होता है, तो इसको धीरे धीरे साइड साइड से इस तरह से पलटते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे गुजिया हमारी जो है फ्राई होने लग गई है और कितनी अच्छी सी फूल भी गई है, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। इसको पलटने में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे एक बैच हमारा फ्राई हो गया था, इसको निकाल लूँगी। सेम प्रोसेस से जो हमारा दूसरा बैच था वो भी फ्राई कर लूँगी डाल के, सेम प्रोसेस से ही और फ्लेम। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी फ्राई हो गया है, अब इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना उतना ही बना भी था। और ये देखिए यहाँ पे गुजिया हमारी बनके रेडी हो चुकी है, देखने में यम्मी लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था। तो इस वाली आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।